वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि वेट गेनर मेडिसिन जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है, और उसके साथ खुराक बताऊंगा। अगर किसी का वज़न कम है, कोई बच्चा है, जवान है, औरत है, मर्द है, जो भी है, जिसका वज़न कम है, जिस्म हड्डियों का पिंजर बना हुआ है, यानी ऐसे नज़र आता है जैसे हड्डियों का ढांचा हो, तो उसको वेट गेनर करने के लिए, उसके जिस्म के ऊपर खूबसूरती लाने के लिए, मांस मोटी लाने के लिए ये दवाई अद्वियात बहुत ही अच्छी हैं। दोस्तों पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्सत्तार अंजुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा आज का जो मौजू है वो है थ्री टॉप मेडिसिन फॉर वेट गेनर इन होम्योपैथी। दोस्तों बाद लोग इतने दुबले पतले होते हैं कि जैसे उनके लिए मजाक किया जाता है कि आंधी आए तो इसको कोई चीज़ ईंट बांध दें या इसके साथ कोई पत्थर बांध दें, कहीं उड़ा के ना ले जाए, मजाक बन जाता है वो लोगों के लिए। हालांकि उसकी तो वो कोई बीमारी हो सकती है, या वैसे भी वो किसी बीमारी की वजह से या किसी और डिप्रेशन की वजह से उसका प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इस मजाक से बचने के लिए आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें और अपनी खूबसूरती को बढ़ाएं, अपने जिस्म को शेडोल करें, अपने वेट को गेन करें, यानी अपने वज़न को बढ़ाएं। इसके साथ साथ आपने अपनी खुराक को ख्याल रखना है कि जब आपने खुराक खानी है उस वक़्त आपने कोई ज़हनी टेंशन नहीं रखनी, कोई आपके ऊपर कोई डिप्रेस ना हो, कोई प्रेशर ना हो, उस वक़्त आपने बिल्कुल रिलैक्स होके आपने खुराक खानी है। और अपनी खुराक में केला, बनाना, वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसके अंदर पोटाश और कैलोरीज बहुत वाफर मकदार में होती हैं, वो बहुत ही अच्छा रहता है। वो अकेला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के अंदर मिक्स करके बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। बच्चों के लिए भी ऐसे ही इस्तेमाल करवाना है आपने, और अपने लिए भी ऐसे ही इस्तेमाल करना है। अब आते हैं मेडिसिन की तरफ। आप बिल्कुल ही, आप हैं या बच्चा है, कोई औरत है, जवान है, मर्द है, तो उसके लिए ये मेडिसिन इंतहाई अच्छी हैं। सबसे पहले तो अब्राटीनम है। अब्राटीनम आपने 30 ताकत में लेनी है, सुबह दोपहर शाम इसके 5-5 कतरे इस्तेमाल करने हैं पानी के अंदर डालकर। इसकी अलामत में ये एक अलामत ये भी है कि मरीज़ बिल्कुल लकड़ी बन जाता है, तख्ता बन जाता है, उसके जिस्म के ऊपर मांस यानी मसल्स ढूंढने को ही नहीं मिलते, इतना शदीद किस्म का उसका मसला बन जाता है। दूसरा है जिनशियाना ल्यूटा, ये भूख बढ़ाने के लिए इंतहाई अच्छी दवाई है कि भूख का सिस्टम आपका बेहतर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपने अल्फ़ा मदर टेंक्चर लेना है, वो आपने सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे बड़ों के लिए, और अगर बच्चा हो तो उसके लिए आपने लेने हैं 3-3 कतरे, 2-2 कतरे देने हैं उसको 3 वक्त। ये पानी के अंदर डालकर मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है। इसके साथ आपने केला और दूध ज़्यादा इस्तेमाल करना है, इसके साथ आप अंडा भी इस्तेमाल कर लें, और ऐसी चीज़ें दूध की खीर बनाकर इस्तेमाल करें, दूध को किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल करते रहें। अंडा भी अगर बनाना है तो वो मीठा बना लें, उसके अंदर दूध भी डाल लें अंडा भी हो, या दूध गर्म करके उसके अंदर अंडा जो है वो फेंट कर आपने इस्तेमाल, यानी मिक्स कर लेना, गर्म दूध के अंदर कच्चा अंडा आपने फेंटना है, फेंट कर उसको इस्तेमाल कर लें, बच्चे को भी ऐसे दें, आप ख़ुद भी इस्तेमाल करें। और साथ साथ ये मेडिसिन आपने तवातर के साथ लेनी है। एक माह बहुत है इनका अरसा, लेकिन अगर ज़्यादा अरसा तक इस्तेमाल कर लेंगे 2-3 माह, तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त। और इससे ये नहीं होगा कि आपको ओबेसिटी होगी, यानी मोटापन हो जाएगा, मोटापन भी नहीं होगा। इससे नहीं आपने घबराना, बिल्कुल नहीं आपने परेशान होना, ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, आपका जिस्म शेडोल होगा, खूबसूरत लगेगा, जैसे खूबसूरत होना चाहिए। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।